नमस्कार, मैं मनोज सिंह लोटस स्टार टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौजूद है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, जहां पे कामधेनु चेयर की मीटिंग चल रही है। चलिए हम आपको मीटिंग में ले चलते हैं। धन्यवाद। पचहत्तर में इसने यूनिवर्सिटी का स्वरूप पाया एज ए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1916 में हमारे विश्वविद्यालय को नेशनल एक्रेडिटेशन की ने ICAR ने इसको एक्रेडिट किया। नेक्स्ट, ये हमारी जब विश्वविद्यालय हमारा बना था तो हमारे पहले वाइस चांसलर साहब थे कौन साहब, वो एक रेडवुड कॉलेज ही है। एक आप पीला वाला देख रहे हैं जो सेंटर ग्रीन जोन है उत्तर प्रदेश का, और ग्रीन है सेमी एरिड जोन। 14 डिस्ट्रिक्ट हमारे ये सेंट्रल ग्रीन जोन के हैं और 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो है सेमी एरिड जोन के, जिसमें आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल आते हैं, जिसमें 5 कमिश्नरी है। नेक्स्ट, ये हमारे विश्वविद्यालय का जो मूल उद्देश्य है जिसके लिए विश्वविद्यालय की ग्राउंडिंग हुई थी, खाद्य पोषक सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि में प्रतिस्पर्धा परक सुधार, योग मानव संसाधन क्षमता विकास करने, उत्पादकता में वृद्धि, लाभप्रदता बढ़ाने और संसाधनों के कुशल उपयोग, तकनीकी हस्तांतरण और कृषि के क्षेत्र में नवाचार विकसित कर उत्पाद प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने। नेक्स्ट, हमारे जो सबका विश्वविद्यालय का जिसको हम लोगों ने देखे शुरू किया अपना काम, कृषि की विभिन्न शाखाओं, ग्रामीण उद्योग, व्यापार, अन्य संबद्ध विषयों सहित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोगों विद्यालय ये कानपुर कैंपस में। नेक्स्ट, ये हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इटावा कैंपस में स्थापित है, जहां हम बीटेक की 4 विषयों में डिग्रियां दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा वहां का डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज है, इटावा में ही है, आप उसके डिग्री है डॉक्टर सी बी सरकार का। नेक्स्ट, ये हमारा फिशरीज कॉलेज इटावा में ही है, जो हमारा नेक्स्ट थर्ड कैंपस है लखीमपुर में, वहां सिर्फ हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को एजुकेट कर रहे हैं, वहां 60 सीट है। ये हमारा जो है एजुकेशनल सेटअप है। नेक्स्ट, ये हमारे जो डिग्री प्रोग्राम है जो चला रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी कम्युनिटी साइंस जिसको होम साइंस भी कहा जाता है, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आज की तारीख में हमारे पास है, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम है सारे डिपार्टमेंट्स में, हॉर्टिकल्चर और में 2 प्रोग्राम्स हैं, वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर का, और होम साइंस में 5 प्रोग्राम है, एमबीए का प्रोग्राम और एमटेक में 2 प्रोग्राम है, डॉक्टरल प्रोग्राम हमारे पास एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में और कम्युनिटी साइंस में। नेक्स्ट, ये हमारा जो इंटेक कैपेसिटी है अंडर ग्रेजुएट में हम 510 हमारी सीट है, जिसमें 385 बच्चे इस साल एडमिट हुए हैं, एमएस और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट में 240 सीट है, जिसमें 179 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, और पीएचडी प्रोग्राम में 102 है, जिसमें 90 बच्चों ने एडमिशन लिया। हमारी टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास सिविल कम्युनिटी है, बच्चे खेल के उन सबों के लिए फैसिलिटी है। नेक्स्ट, ये वही फैसिलिटी, ये हमारी रिसर्च कैपेबिलिटी है, 4 हमारे रिसर्च सेक्शन है, 5 हमारे रीजनल रिसर्च स्टेशन है, 1 हमारा क्रॉप रिसर्च स्टेशन है, 4 क्रॉप यूनिट्स हैं, इस समय 16 नहीं हमारा खत्म हो गया, 15 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हैं और 27 नॉन प्लान गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स हैं, 13 कृषि विज्ञान केंद्र है और 7 कॉलेज, 1 एग्रीकल्चर का कॉलेज, 8 कॉलेज हमारे विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा जो विश्वविद्यालय करते हैं, नेक्स्ट जल शक्ति का अभियान हम लोगों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया इसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में, नेक्स्ट ये दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र में। नेक्स्ट, चलते जब होगा सारी जो गांव के लेवल पे बेसिक समस्याएं देखने को मिलती हैं उसको कैसे एड्रेस करें, क्योंकि बाकी तो सब नीति निर्धारण बैठ करके सब जगह हो जाता है, लेकिन गांव में जाते ही पता चलता है कि किसान अपनी मनरेगा की मजदूरी के बराबर भी पूरे खेत में मेहनत करने के बाद नहीं निकाल पाता, दैट्स अ फैक्ट, और ये बड़ा रिसर्च का विषय है। तो इसमें हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो धोत्रे जी हैं उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कामधेनु चेयर को बहुत पुश करके इनिशिएट किया, और इसमें हमारा कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, चंद्रभाई कटुंडिया जी ने भी
किया, तो इसको हम लोग हर यूनिवर्सिटी में कामधेनु चाहिए। कामधेनु का मतलब सिर्फ गाय नहीं है, कामधेनु का मतलब वो गाय जो इसमें सब कुछ देने की क्षमता है, क्योंकि हमारा जो गांव है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता है। वो स्पिरिचुअल और रिलीजन में हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म और व्हाट इज रिलीजन। रिलीजन एक अलग विषय है। स्पिरिचुअलिज्म में जहां हम आपस में मनुष्य, पशु पक्षी, बाकी जितने भी इस इकोसिस्टम में प्राणी हैं, उसके साथ को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वो कामधेनु चेयरता एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। और इसमें यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से इसके ऊपर डेवलप है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं मार्केटिंग दी अनमार्केटेड उत्तर प्रदेश। इसमें आप हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के पार्टनर हो सकते हैं, या जो 22 जिले हैं वहां पे आप हमारे पार्टनर हो सकते हैं। हम इसमें एक थॉट प्रोसेस में दे रहे हैं कि अभी तक जो हमें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम मिला है वो सिर्फ नौकरियों के लिए मिला है, जॉब्स के लिए। यूनिवर्सिटीज ने भी वही काम किया, क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट देती है एक्टिविटी वही काम करती है। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है, क्योंकि जॉब है नहीं, इसका मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में अगर 2.5 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओ, जिसको हम VIIP भी बोल रहे हैं, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर, अगर होते हैं तो हमें नेक्स्ट लेवल उस पे जा सकते हैं, जिसको हम विश्व गुरु भारत अभियान की तरफ बोल रहे हैं कि वो इंडिया जो कल को डेवलप्ड इंडिया होगा, अपने रिसोर्सेज के साथ में काम करेगा। क्योंकि मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, जिन्हें बन भी गया, तो प्रॉब्लम था फाइनेंस। अब इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, आपके पास 5,000 एकड़ जगह है, इतना रिसोर्स है, बट उस प्रोसेस में एनजीओ हम सालों साल सपोर्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली वो खड़े नहीं हो पाते, फिर उनको ग्रांट सब्सिडी के लिए। हम गांव में भी वही देख रहे हैं, भैया भिखारी को रोज भिक्षा दे दी, चाहे वो कनॉट प्लेस में दीजिए, चाहे कानपुर के किसी उसमें दीजिए, लेकिन वो सालों साल वहीं का वहीं बैठा हुआ। तो हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं, इसको हमें खास करके जो यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, गुरु तत्व के लोग हैं, इनको चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले हमारे जो गुरुकुल थे वो राजा महाराजा रामकृष्ण पैदा करते थे, अब हम लोग जो है कैसे कर रहे हैं वो हम लोग देखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका जो सारा सीईओस का होगा वो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हमें बड़े बृहद लेवल पे समझने की जरूरत है। हमारा जो ग्राम पंचायत है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, उसमें एक सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओ को क्रिएट करने की जरूरत है। क्योंकि ग्राम पंचायतों का, गांव का अभी तक हमने इवैल्यूएशन नहीं किया, हम उसको सिर्फ एक भिखारी समझते हैं। ये हालांकि बिल्कुल थॉट प्रोसेस उल्टा है, लेकिन थॉट प्रोसेस को थॉट प्रोसेस। अब ये गांव जिसकी एसेट इवैल्यूएशन आज की डेट में अगर करें तो 5,000 से 10,000 करोड़ हो सकती है ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत। उसको हम सिर्फ एक कैसे 2 रुपए किलो चावल दे दें, कैसे उसको बीपीएल कैटेगरी में मेंटेन करके रखें कि 80% से ऊपर, मतलब नीचे बीपीएल रहना चाहिए, ये एक गवर्नमेंट का एक पड़ाव रहता है। तो लेकिन इसको करेगा तो एजुकेशन सिस्टम ही तोड़ेगा। नेक्स्ट। हमारे जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायती राज सिस्टम 3-tier है, उसके अंदर हमें 29 सब्जेक्ट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन मिलते हैं और उसमें सब चीज आ जाती है। अगर हम इसको समग्रता में देखेंगे, क्योंकि अधिकतर होता क्या है कि हमने आयुर्वेद को सुना और हमने जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम अडॉप्ट किया, तो उन्होंने आंख को अलग कर दिया, नाक को अलग कर दिया, कान को अलग कर दिया, पेट को अलग कर दिया, और फिर सबके एक्सपर्ट हो गए, मालूम चला बॉडी अल्टीमेटली हमारी एक तरह से फंक्शनल नहीं हुई, वही हमारे हल गांव का। नेक्स्ट। ये हमारे 29 DC, तो ये हमारे एक सोच का प्रोसेस हो सकता है कि कहां कहां पे हम क्या डेवलप करें, ये स्टूडेंट को करना है, ये रिसर्च कर रहे। नेक्स्ट, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका ये हमारा एक जो हम काम जीरो के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कहां से डेवलप, और यूनिवर्सिटी जो भी एक इनकम का सोर्स हो, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन ना हो, और कैसे हम इसको पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। जहां जहां जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी पार्टनर हो सकती है।
केवीकेस हमारे पार्टनर हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे डिग्री कॉलेजेस हमारे पार्टनर हो सकते हैं, और सबके साथ हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे, तो जो हमारे इसके ऊपर बाकी बच्चे अपने आप काम करेंगे। नेक्स्ट, ये एक इसका आईसीएसएमई और यूनिवर्सिटी, ग्राम पंचायत 29 सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज। गांव में दरअसल हमारी जो सरकारें या जो व्यवस्थाएं काम करती हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में काम करते हैं फटाफट, लेकिन उसके बाद में उसका क्या होगा, और मेंटेनेंस पे तो बहुत ही कम काम होता है बिकॉज वो इतना रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है। उसको ये बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, गांव में स्कूल बने हैं यूज नहीं हो रहे हैं, बहुत हॉस्पिटल मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें बनी है, पंचायत भवन का भी वही हाल धीरे धीरे हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्योंकि किस चीज को करना है, होता क्या है, जो व्यापारी है वो युद्ध में भी पैसे कमाता है और पीस इम्पोर्टेंट है, इसको मेरे ख्याल से अगर 2-3 मिनट में हम लोग सुन लेंगे तो ये पूरे प्रोजेक्ट के हम क्रक्स में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं करना है। तो 12 उन्होंने परिपक्वता की परिभाषाएं बताई, वो कहते हैं परिपक्वता जो जस्ट 2-3 मिनट, परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को बदलने का प्रयास बंद कर दें, इसके बजाय स्वयं को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा उन्होंने कहा परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। तीसरा, परिपक्वता वह है जब आप यह समझें कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच अनुसार सही। चौथा, वो परिपक्वता जब आप जाने दो वाले सिद्धांत को सीखें। परिपक्वता वह है जब आप रिश्तों से लेने की उम्मीदों को अलग कर दें और केवल देने की सोचें। परिपक्वता वह है जब आप यह समझ लें कि आप जो भी करते हैं वह आपकी स्वयं की शांति के लिए है। परिपक्वता वह है जब आप संसार को यह सिद्ध करना बंद कर दें कि आप कितने बुद्धिमान हैं। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों से उनकी स्वीकृति लेना बंद कर दें। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। परिपक्वता वह है जब आप स्वयं में शांत रहें, दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। परिपक्वता वह है जब आप जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर करने में सक्षम हो जाएं और अपनी चाहतों को छोड़ने को तैयार हों। परिपक्वता वह है जब आप अपनी खुशी को सांसारिक वस्तुओं से जोड़ना बंद कर दें। अगर आपकी और एक्सपर्ट साथ में कुछ कहना चाहे तो कहें। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सेशन पहले सुन लेते हैं। सेशन में भी रूटीन फॉर फैसिलिटी। अब हम लोगों ने जो भी बड़ा तिवारी साहब को सुना और उनके ड्रीम्स और आइडियाज को सुना, विश्वविद्यालय के प्रत्यक्ष में हमारे क्या सुझाव और जानकारियां हो सकती है, मुझे लगता है बर्दाई बंद करके आप लोग तो हम लोग विभिन्न प्रकार से देख शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात शुरू करो, जिस मुकेश अंबानी साहब से आप बात कर रहे हैं, बीसी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर था, आई वाज इन द शेयर मार्केट, उस समय इनका शेयर था 357 अंबानी को अरेस्ट किया था आपको, तो उनका शेयर क्या करना चाहूँ प्रतिभा के आप लोग आए और एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए और यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों को शिक्षकों को जो है यहाँ पर अपनी बात को रखा। मैं आपको बता दूँ साथियों, मेरे फैकल्टी मेंबर हैं प्रोफेसर, कि ये जो है कि लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास जो है व्हाट्सएप आया दिल्ली से, किसी मंत्रालय से, ये जो है काम घरेलू शेयर करने विश्वविद्यालयों में संस्थान में एक इस्टेब्लिश करना है। तो उस समय कोरोना काल चल रहा था, मैंने माननीय कुलपति जी से निवेदन किया, बात किया, तो मैंने अपना व्हाट्सएप जो है मैंने फॉरवर्ड किया कुलपति जी को, तो उन्होंने जो है डायरेक्टर रिसर्च साहब को और मैंने उपाध्याय जी से कहा कि उपाध्याय जी आप डेयरी के हेड हैं, थोड़ा मुझे लग रहा था कि कांधेनु चेयर मीन्स डेयरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, तो मैंने डॉक्टर उपाध्याय जी को फॉरवर्ड किया कुलपति जी से, हमने कहा कि आप बात करिए और यहाँ पर विश्वविद्यालय में एक जो है कांधेनु चेयर की स्थापना की जानी है। उस परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी ने बहुत ही गंभीरता से, साथियों मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ही गंभीरता से इस पर जो है कि प्रयास किया, कार्य किया और विश्वविद्यालय में कामधेनु चेयर की स्थापना की। अब जो है भारत सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को हम लोगों का
फर्ज है और हम लोगों का मैंडेट है कि वी विल फॉलो द ऑर्डर एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोगों ने कामधेनु चेयर की स्थापना किया है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ये केवल हमारे विश्वविद्यालय में नहीं पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालय संस्थानों में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है और कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोग कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं, कैसे इस पर काम कर सकते हैं। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। हमारी कंट्री जो है कि हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम विभिन्नता में एकता देखते हैं और एक हैं जो है। विचार अलग हो सकता है, मत अलग हो सकता है, लेकिन सभी मतों को एक साथ मिला करके हम अच्छे एक कदम की तरफ आगे बढ़े और गांव के लिए हम बने हैं, गांव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और तिवारी जी ने दो बातें बहुत अच्छी कही है जो कि मैं गांव में जाकर के खुद अपने गांव में बात किया हूं, और जो ये बातें कही, मनरेगा कैसे किसानों को नहीं जोड़ पा रहा है। हम लोगों ने कितनी बार कहा कि मनरेगा में किसानों के जो काम होता है, क्या वो मजदूर किसानों के भी काम कर सकते हैं, या वृक्षारोपण गांव का हो रहा है किसान के खेत पर वृक्षारोपण बागवानी हो रही है तो उसमें कर सकते हैं। वो जो है कि उनको 125 दिन की गारंटी है और उनको जो है मिनिमम वेजेज मिलता है, और वो एक दिन काम करे चाहे 125 दिन काम करे, उनको रोजगार गारंटी योजना है, उनको वेतन मिलेगा। और वो किसान के पास मजदूर नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी आज की समस्या मैंने गांव में देख के आया हूं। मैं कल शाम को ही गांव से लौटा हूं और मेरे घर पर भी खेती होती है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं तिवारी की। दूसरा पॉइंट हमारे किसानों ने बताया कि आप ये बताइए, 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो जो है कि गेहूं इस गरीबों को दे रहे हैं, तो ये बताइए हम जो इतना महंगा खेती करके हम जो गेहूं पैदा कर रहे हैं और उसको धान पैदा कर रहे हैं, ये जो मुख्य सीरियल्स है उसको जो है कि हमारे जो सिस्टम था पुराना इसको ये खरीद करके गरीब लोग खाते थे, या हम अन्न देते थे, अन्न के बदले वो मेरा काम करते थे, तो वो मेरा अन्न ले रहे हैं, मेरा काम कर रहे हैं, न मेरा गेहूं धान चावल खरीद रहे हैं। तो जो सिस्टम बेसिक है पूरा इसमें जो है कष्ट किसानों को हो रहा है, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात मैं तिवारी जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो समस्या आज है वो समस्या जो है कि गुजरात में एक बार थी, किसान वहां पर गाय पालते हैं। मैं वहां पर 1 महीने रहा हूं और मेरे बड़े भाई साहब 10 साल वहां पर गुजरात में नौकरी किए, और वहां पर 1 महीने में जब गया तो मैं देखा जो है कि किसान वहां पर कोऑपरेटिव डेयरी किए हैं और इतने ईमानदार हैं कि अपने भाई का दूध अगर वहां जाके गांव का रख जाता है तो किसान किसी से बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी से उसका फैट निकालेगा, फैट नोट करेगा रजिस्टर में, उसका दूध जो है कि बड़ौदा चीनी प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, वहां पर दूध जाता है, और किसान बहुत ही सज्जन है वहां पर, ईमानदारी है एक दूसरे से। तो आज जो है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम होगा, तिवारी जी को मालूम होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है कि किसानों ने दुखड़ा अपना जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाकर रोया था, और सरदार पटेल कोऑपरेटिव सिस्टम का जो सिस्टम दिया है, पद्धति दिया, जो गांव की गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारे गांव तिवारी जी 20 रुपए लीटर गाय का दूध कोई दूध नहीं रहा है, और हमारी डेयरी का दूध जो है कि हम लोग 30 बेचते थे, अब भाई महंगाई बढ़ रहा है, 30 रुपए बेचते थे, अभी हम लोगों ने 35 रुपए किया है, और जो है कि जो स्थिति गांव की है कि हम 20 रुपए में लीटर बिक रहा है, कोई लेने वाला नहीं, किसान परेशान है। और आप जिसे कहे पराग डेयरी फेल है, हमारे रामनगर में फीडर बैलेंसिंग डेयरी फेल है, किसानों को दूध नहीं कलेक्ट कर रही है, तब से फेल पड़ा है, घाटे में चल रही है। तो जो कोऑपरेटिव सिस्टम गुजरात में सक्सेस है उसकी कारण है कि किसान अधिकारी सब ईमानदार ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और मैं उसको जाकर देखा हूँ, उसको मैं जाकर देखा हूँ। और जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गढ़वा घाट आश्रम ट्रस्ट में पिछली बार आए थे, तो उन्होंने जो है बाबा जी का बहुत बड़ा फार्म है वहाँ पर, बहुत बड़ी डेयरी है, और वहाँ पर गए थे बाबा जी के आमंत्रण पर, उन्होंने कहा कि हमारे जो अमेरिका की गायें हैं, जर्सी है, फ्रीजियन है, ये सब गाय हमारे देश में आ गई। और आप लोग बता दें, अभी आप लोग और अध्ययन करिए कि जर्सी और फ्रीजियन की गायों के दूध में जो है ऐसे जो है कि आ रहे हैं दर्द जो कि कैंसर के कारक को बढ़ा, और जो उन्होंने कहा कि हमारी गिर नस्ल, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब गिर नस्ल हमारे स्विट्जरलैंड में जाकर 42 लीटर दूध दे सकती है, तो वैज्ञानिक इस पर क्यों नहीं काम करते कि हमारे यहाँ पढ़िए इतिहास गिर गाय का, गुप्ता जी आप डेयरी में जानते हैं सर, और वो हमारे यहाँ का राजा ने गाय बेचा है और वहाँ के राजा ने खरीदा है, और वहाँ कितनी भीड़ जाकर भीड़ की बढ़ करके जो वाली दूध दे रही है। मेरे फिर उनके सुझाव पर
उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा जी से कि वे पूरे गायों का देश के कलेक्शन बाबा जी करिए देसी गाय तो उसको कंजर्वेशन करिए। आश्रम में गाय का सेट बन चुका है, कलेक्शन शुरू हो चुका है, पूरे भारत वर्ष का बाबा जी ने भ्रमण किया है। हमारे बड़े भाई का रिटायरमेंट कार्यक्रम उनके साथ में और उस गायों का कलेक्शन शुरू हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी चीजों को हम देसी चीजों को खो रहे हैं, विदेशी चीजों को अपना रहे हैं, विदेशी चीजें फेल हो रही हैं और हम हमारी चीजों को वो लोग अपना करके इतना आगे बढ़ गए और हम अपने को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। तो गुजरात जो है कि देश का लीडिंग स्टेट कैसे बन गया, पूरे मॉल्स में भारत वर्ष के पूरे जो है कि मार्केट का रेलवे स्टेशन पर अमूल दूध है, अमूल चीज है, अमूल घी है, क्या नहीं गुजरात का बन के आ रहा है। और ये बताइए हम यूपी में क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम भी इसको फॉलो करें, ईमानदारी से करें तो ये तो इंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही बढ़िया हमारे गांव में हो सकता है। सब किसान मैं गांव में जाकर देखा हूं, दलित नगर में, मैं कन्नौज में जाकर देखा हूं, एक गांव से दलित नगर से 100 लीटर दूध भैंसों का कलेक्शन होकर कानपुर में शहर में आता है, दिखता है। डॉक्टर अरविंद जी जो है डायरेक्टर एक्सटेंशन है, इनको मालूम है और आपके वैज्ञानिक भी मेरे साथ में गए थे। तो इतनी हमारी संभावनाएं हैं गाँव में काम करने की। आज भी अगर हम ईमानदारी से जो तिवारी जी लेकर कॉन्सेप्ट आए हैं मेरे विश्वविद्यालय में, आप लोग गंभीरता से सोचिए, अगर हम गंभीरता से अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे तो दूध के क्षेत्र में नहीं, हम अन्न के भी क्षेत्र में, आलू के भी क्षेत्र में और सब्जी के भी क्षेत्र में बहुत बड़ा इंटरप्रेन्योर आस पास के क्षेत्रों में विकसित कर सकते हैं। एक बात अपनी कह के हम समाप्त करेंगे कि हमने एक प्रोजेक्ट एनआईपीएटीएम यहाँ गांव में चलाया था, डायरेक्टर साहब जानते हैं, वहाँ पर हाईवे पर चला था साथियों, वहाँ पर उन्नाव में जो है कि सिकंदरपुर सुरोसी गांव में वहाँ का कैबेज किसानों से जब मैंने बात किया तो वहाँ से वैज्ञानिक आए जो है कि रेड्डी साहब और एक और वैज्ञानिक श्रीता जी आई थी। हमने कहा इन किसानों से बात करिए, वो देखिए कैबेज लद रहा है कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग और यहाँ का कैबेज डेली 10 ट्रक 20 ट्रक एक गाँव से 100 हेक्टेयर कम से कम कैबेज हुआ था। कहाँ जा रहा है? हैदराबाद लखनऊ के 5 स्टार होटल में। और ये किसानों का मैनेजमेंट व्यापारियों को यहाँ से फोन करते हैं, कैबेज तैयार हो गया, हैदराबाद से व्यापारी गाड़ी से आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ 1 रुपए का 95 प्राइस का एक कैबेज जो खरीदते हैं और हैदराबाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज खरीद हैदराबाद जा रहा है। हमने बताया किसानों से, बताया वैज्ञानिकों से, कहाँ से? हैदराबाद से आए थे, वहाँ से जो हमारा NIPHM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, वहाँ से वैज्ञानिकों से बताया कि ये कैबेज जो है कि हमारा हैदराबाद में इस जगह जाइएगा तो वहाँ मिलेगा, हम वहाँ बेचते हैं। तो इतनी स्कोप है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का, काम करने का एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एक बात हम आपकी कह करके तिवारी जी के सामने मैं खत्म करूँगा। तिवारी जी, इस देश में जब कोरोना काल आया था, जब जो है कि सारी जनता जो है कि शहरों में इंडस्ट्री में काम करती थी और उनको इंडस्ट्रियलिस्ट लोग खाना नहीं दे पाए तो वो बम्बई से, दिल्ली से, सब जगह से माइग्रेट होकर के अपने गांव में आए हैं। और जो पुरानी चीज आप बता रहे थे कि एक बेटी की शादी में पूरा गांव जो है इकट्ठा होकर शादी करता है, इतनी भाईचारा है, जाति पाति धर्म टूट कर बेटी को सारा गांव अपना बेटी मानता है। और जितने लोग आए बाहर से गांव में फिर आए वापस और उन गांव के लोगों ने चाहे जैसे तैसे हो उनको भूखे नहीं मरने दिया, खाना दिया है। ये कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया कि एग्रीकल्चर का सेक्टर आज भी महत्वपूर्ण है और अपने गरीब लोगों का खाना खिलाने में पेट भरने में सक्षम है। और किसान भाइयों ने तहे दिल से उनका स्वागत किया और जो है कि उनको खाना दिया, ये कोरोना काल में हमने देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारे जो फैमिली है वहाँ पे कम से कम 6-7 भैंसे हैं, हम कम संख्या बता रहे हैं सर। और वहाँ एक लड़का आगे भी आया है, हमने उसने हमसे बहुत गुजारिश भी की है और मैंने भी सर को बताया कि वो क्या बनता है, कार्ड बनता है या कोई मतलब एक बच्चा है। एक मिनट सर, मुझे बोल रहा है, एक मिनट चाहिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा सर। देखिए सर, मैं एक बात बता दूं कि विज्ञान बदलती रहती है, समय के अनुरूप हमको अपने आप को बदलना होगा। इस वैज्ञानिक बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में हमको आज नए काम करने होंगे, पुराना जो हमारा कंसेप्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा और नई वैज्ञानिक पद्धति से हमको खेती भी करनी पड़ेगी, पशुपालन भी करना पड़ेगा और अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम वही रह जाएंगे जहाँ पर पैदा हुए थे।
देखिए आज मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर हमारे गांव में किसानों के पास जानवर दुधारू जानवर नहीं होते शायद वो अपनी रोजमर्रा के जो काम है ना वो पूरे नहीं कर पाते। आज उन्होंने अपने दुधारू जानवरों से अपनी जीविका को बहुत अच्छे से चला रहे, तो हमको बदलना होगा और नए कंसेप्ट को लाना होगा, नए ढंग से हमको खेती भी करनी पड़ेगी, जानवर भी पालने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स को भी, व्यापार को भी, बाजार को भी हमको संभालना पड़ेगा और WTO को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों आंखें खोल के हमको काम करना पड़ेगा। एक आंख बाजार पर लगानी पड़ेगी, एक आंख अपने अपने गांव में उन खेतों पर किसानों के जानवरों पर लगानी पड़ेगी कि हमारा मार्केट क्या चाहता है, वो काम हमको करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। डेवलप किया जाए हमारे जो युवा स्पेशली स्टूडेंट है उसको इस स्ट्रीम में कैसे लाए और उसके लिए स्टूडेंट की भावना का भी एनालिसिस करना जरूरी होता है कि हमारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्या ट्रेंड है। अगर ट्रूली ऐसा देखा जाए कि जैसे मेरे पास एनडीए के 34 स्टूडेंट हैं और उनकी एनालिसिस करते हैं हम, तो आप सरप्राइज करेंगे 80% स्टूडेंट का फर्स्ट ऑप्शन होता है प्लेसमेंट। केवल 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हम अपना इंटरव्यू डेवलप कर सकते। लेकिन वहां पर एक चीज और आती है बिजनेसमैन, मैं कहता हूँ हमें सभी लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है, हम रिस्पेक्ट कर बिहेव करने की कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए क्या आपको सोशल बैकग्राउंड होगा, टेक्निकल हाउल होगा। एक और अभी मैंने एज ए चेयरमैन ऑफ द इंक्लूसिव सेक्टर लोअर सर्विस का आइडिया, जो भी आपके पास इनोवेटिव आइडिया है आप प्लीज दीजिए, जो हमारी टेक्नोलॉजी है ढेर सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सिर्फ ठीक टेक्नोलॉजी है, मार्केट में टेक्नोलॉजी शुरू बात आती है जो मार्केट में उसकी डेटा को सैलरी होगी, कोई काम करते जो वास्तव मूल्य में 1% मार्केट होगा देश को रिकवरी देगी, अदरवाइज वो टच नहीं करेंगे। हमारे साथ क्या संस्कृति प्रॉब्लम है कि हमारे पास नहीं देता टीम को पाँच बहुत पहले सब कहे अच्छी पॉइंट है कि शिक्षे तेरा नाश हो तो टोपी है बोली वास्तविकता ये रहा, पहले तो हमारी ये सोच थी कि भाई उत्तम व्यवसाय जो कहते हैं उत्तर खेती मध्यम भाग इसे चक्री जीत ले रहा था, वो फिर से बदल गई। आज ये कह नहीं आऊ हमारा हर स्कूल चाहिए आदमी है कि भाई उसी पीरियड से शादी करो सॉल्व करा दो सॉल्व। तो मेरा क्वेश्चन देखता है इसमें दो तीन चीज और जल्द जो आपके साथ हो सकता है, ग्लेस की बहुत सारी आपके प्रॉब्लम लेकिन जो सबसे बड़ी ग्लेस की प्रॉब्लम है वो तो कंस्ट्रक्शन है जो आपके बहुत सारी चीजें की सिक्योरिटी कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी पर कैपिटल लेवर का रेस्ट है। अगर इस बात को हम कैलकुलेट करते हैं कि बच्ची की फैमिली है तो फिर उसमें पार्टे पर कैपिटल लेवर तो एक घंटा भी नहीं आता, एक फैमिली में चार मेंबर आते हैं और 18 साल से ऊपर, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। भाई चेक हो दिया जब एक रिक्शा चलाता है सब्जी बेचता है काम करता है 500 रुपए कमाता है, लेस डाला हुई है 500 फैमिली मेंबर चार 18 साल से ऊपर है लेकिन उनके पास काम ही नहीं, कोई जीरो पार्क है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, तो इन चीजों को करनी पड़ेगी। रियली चाहती है सरकार चाहती है, आपको चाहती है देश में निश्चित तौर पर इन चीजों को रेस्पेक्ट करना होगा, इस तरह की योजना 100% बना। आप तो सर स्पेशल लाइन के हैं सर, यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की भाई मान लिया सर, भाई मेरे को एक बात मत फैला। दूसरा क्या है, अभी मार्केटिंग दी अनमार्केटेड इंडिया, इंडिया ये भी मार्केट नहीं हुआ है, ठीक है बैकग्राउंड मान लिया हम लोगों ने। और अभी मैं एक छोटा सा सर आप बात में एक्सप्लेन, हाँ ठीक है ठीक है। इस काम धेनू चेयर का जो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया सम्मानित तिवारी और उनके साथीगर सम्मानित सारे कलीग्स, मैं बहुत ही संक्षेप में दो चीजें कहूंगा। पहले तो मैं बीज उत्पादन के सेक्टर से जुड़ा हूं, उसमें दो चर्चाएं करूंगा कि डेयरी टेक्नोलॉजी के डील होने के नाते
डेयरी के क्षेत्र में भी मैं दो बातें आपसे करूं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस कामधेनु चेयर से एक सिस्टम डेवलप करिए किसानों की मार्केटिंग। कैसे आप मार्केटिंग डेवलप करिए बता दीजिए। हर गांव का किसान, आज हमारा गर्मियों में टमाटर नहीं होता था, गांव के किसान ने इतना टमाटर पैदा किया कि उसको मार्केट मिलना मुश्किल पड़ गया, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि शायद मार्केट हमें मिलेगा, लेकिन उसका कारण कोरोना भी कुछ कुछ रहा है। दूसरी चीज, आप हमारे इन विलेजेस को डिफरेंट उसमें बांटिए, 10 विलेज को बांट दीजिए कि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएंगे, 10 को बांट दीजिए कि ऑर्गेनिक हम पल्सेज उगाएंगे, 10 को बांट दीजिए कि ऑर्गेनिक हम सीरियल्स उगाएंगे, और फिर उनका एक स्टोर आप बना दीजिए, आप लीजिए मार्केटिंग की जिम्मेदारी और किसान को उसको फायदा दीजिए। किसान जो कुछ कहेंगे वहां तक पैदा करने की हिम्मत रखता है। तो मैं समझता हूं कि हम अपने कंसेप्ट को बहुत कुछ लागू कर ले जाएं। अब मैं एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं है जितना हम सोचते हैं, कहीं शायद किसान आज हमसे ज्यादा कहीं सोच रहा है। अभी एक किसान का मैं एग्जांपल बताऊं, उसने कहा डॉक्टर साहब आप जैसे पैदा करते हैं, आपकी वैरायटी का जो भी टारगेट है कि ये मेरी वैरायटी की पोटेंशियलिटी है, आप मुझे दे दीजिए 5 क्विंटल उससे एक्स्ट्रा पैदा करके दे दूं तो मुझे अवार्ड दीजिएगा, नहीं तो मुझे भगा दीजिएगा। ये किसान का चैलेंज था मेरे सामने। उसने कहा कि मैंने देखा एक ये जो पेठा होता है, हमारे यहाँ जो पेठा की वैरायटी है अप्रैल तक खत्म हो जाती है, और आगरा और कानपुर के व्यापारी अप्रैल तक लेते हैं, बाकी बंगलौर से मंगाते हैं। उसने तलाश चालू किया किसान ने कि हम एक ऐसी वैरायटी खोज के लाएं जो मई और जून में हमको पेठा उत्पन्न करें, और सर ज्यादा दूर नहीं है, केवल 45 किलोमीटर दूर गांव है, हम दिखाएंगे चल के। उसने आपके बनारस से उस बीज की तलाश की और बोया, और आगरा के मार्केट से जाकर के उसने ऑर्डर लिया, और उसने जो पैसा पैदा किया है दैट इज अनएक्सपेक्टेड। तो प्लानिंग थी उसकी और वो उस चीज में जूझ रहा है। तो हमारा दो चीजें ये हैं। अब दूसरी चीज यदि मैं कहूं कि सब फायदा नहीं है, फायदा है, हमको प्लानिंग करनी है। मैं सहभागी बीज उत्पादन योजना चलाता हूं, 2 मिनट में केवल संक्षेप में बताऊंगा। मैंने किसानों को बीज उत्पादन में ट्रेंड किया, अपने जिले के मैंने 5 जिले लिए, और करीब करीब मैंने 45 हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो कौन कौन से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के कोर्स लागू करें ताकि बच्चे उसको लेकर के इंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करें। बस इतना मेरा आपसे निवेदन। थैंक यू सर। बस ऐसा है, देखिए मैं बताऊँ, हम लोग इसको 15-20 मिनट में बंद अप करेंगे, अगर फैकल्टी का काम खत्म हो गया हो तो टीम से हम लोग शुरू कर दें, क्योंकि दरअसल अभी हम लोगों के हाँ ठीक हो हाँ 2-2 मिनट के इसमें जो पहला पॉइंट था उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम एक्सप्लेनेशन करते वहाँ पे आ जाएंगे अपन लास्ट स्लाइड में इसमें नहीं था उसमें स्टार्टअप आए थे पर्टिकुलर इंजीनियरिंग सेक्शन में जो हमारे कंट्री के जो पायनियर इंस्टीट्यूशन थे पर्टिकुलर IIT और IIM के स्टूडेंट आए थे। और नीति आयोग की ये रिपोर्ट कहती है कि 14 या 10 के आसपास से जितने भी इंटरप्रेन्योर शुरू हुए स्टार्टअप उसमें 98% से ज्यादा बाइंड अप हो उनका कुछ भी आता पता नहीं। मैं आपसे ये चाहूंगा कि अगर मुझे अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट पढ़ने को नहीं मिली जो ये बताए कि व्हाट आर द रीजन ये फेल्योर हो गए, यदि आप उन फेल्योर रीजन की कोई रिपोर्ट मिल जाए। नहीं मैं बताऊँ, नहीं सर कोई रिपोर्ट हमें तो नहीं मिली, अगर फेल्योर की कोई डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट हो इंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट है जो सो हम कहीं यूज नहीं करते हैं, गोबर है, गौमूत्र है, गाय के सींग है, कुछ भी यूज करते हैं उनको भी इसमें प्रोडक्ट जी सर हमारे करिकुलम में है ये। हाँ, एक और चीज सर और NCDC के साथ हम लोगों ने एक मूल भी साइन किया हुआ है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, कोई इश्यू नहीं। एक और चीज थी सर, जैसे रावल प्रोग्राम था जो पहले हमारा रावल प्रोग्राम चलता था कि हर गांव में 5-5 बच्चे रखते थे, जो आज की डेट में थोड़ा सा अच्छी आगे कर रहे हैं हमारे आगंतुक आदरणीय तिवारी जी, उनकी पूरी टीम, हमारे आदरणीय सभी हमारे कलीग जो देर से बातें हो रही हैं सुन रहा हूँ, कुछ कुछ हमारे भी दिमाग में कुछ कुछ बुलाहट हो रही है और होना भी स्वाभाविक है क्योंकि आप लोगों के बीच में हूँ।
तो मैं तीन चार बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये कहा गया है, महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अगर भारत का विकास करना है तो बिना गांवों के विकास से किए हुए भारत का विकास नहीं हो सकता है। मीन्स हमें जो हमारा फोकस होगा वो हमारे रूरल डेवलपमेंट में करना हमारे लिए बेसिक नीड होगी। दूसरी चीज ये है सर कि अभी बात हुई कि हमारे साथी डॉक्टर दीक्षित जी ने भी कहा कि 98% जो योजनाएं बनती हैं वो जो है 98% बाइंड अप हो गई हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सर योजनाएं जो भी सरकार की बनती हैं, कोई भी योजना सरकार की बनती है उसकी हाइपोथेसिस उसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो जाते जाते आते आते जैसे हुआ था कि 1 रुपया भारत सरकार से चलता है और 15 पैसा गांव तक पहुंचता है, वही दशा हमारी योजनाओं की सत्य बात यह है कि हो जाती है। तो हाइपोथेसिस बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसकी हम हाइपोथेसिस अच्छी होती है फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, किसी भी योजना के सही सफलता के लिए हाइपोथेसिस देन प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब गड़बड़ी यहां से शुरू होती है, प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है, इम्प्लीमेंटेशन थर्ड पार्ट है उसका, यहां से गड़बड़ी शुरू होने लगती है। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इम्प्लीमेंट किया गया उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, और मॉनिटरिंग के बाद उसका इवेल्युएशन हो कि इसका जो है क्या रियल एडवांटेज जो यूजर्स हैं जिनके लिए चलाया गया उनको मिला कि नहीं मिला। तो ये हाइपोथेसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, इन तीन में दो पार्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, तीसरे पार्ट से गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। तो इन तीन पार्ट को अगर इस पर, और होता क्या है कि एक हमारी गवर्नमेंट है इसने कुछ बनाया, अगली गवर्नमेंट आई, अब चलो हमारी योजना है, तीसरी आई हमारी योजना है, चौथी आई हमारी योजना है। योजना सरकार की नहीं होती है, योजना गांव के किसानों के हम सबके विकास की होती है, इसलिए जो भी योजना बने उसको एंड तक, एंड यूजर्स तक, जो लास्ट यूजर्स है उसको जब तक बेनिफिट न हो जाए उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए, इवेल्युएशन किया जाए, वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। हम पहुंचे मॉनिटरिंग के लिए, आइए सके है यह है और अच्छा रिपोर्ट बनी सर, वो वाला जो सिस्टम होता है वो गलत होता है। ठीक है, दूसरी चीज कोई भी चाहे गांव का हो, कृषि भी हमारा उसका व्यवसायीकरण हो गया है, प्रोफेशनल हो गया है एग्रीकल्चर एजुकेशन, तो इसको जो है शुरू करने के लिए नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट कोई भी अगर बिजनेस हमें शुरू करना है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर आल्सो, तो हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया था इंटरमीडिएट में कि इसके लिए 5 मूलभूत सिद्धांत हैं सर, उनमें से अगर एक भी माइनस हुआ तो कोई भी बिजनेस, चाहे पान की दुकान का बिजनेस हो और चाहे जियो कंपनी खोलने का और टाटा बिल्डर के खोलना हो, वो सक्सेस नहीं होंगे। उन 5 में पहला है श्रम, लेबर। अभी हमारे कोई साथी डॉक्टर विजय जी कह रहे थे कि 18 साल के बच्चे हैं और काम करने को, और ये भी कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि गांव में आदमी काम करने नहीं मिलते हैं, 18 साल के बेकार घूम रहे हैं। तो कोई भी आपको छोटा छोटा बिजनेस करना हो तो उसके लिए लेबर, श्रम, पूंजी, कैपिटल, चाहे 10 रुपए पंचर की दुकान खोलना हो तो भी 50 रुपए की भर्ती उसको चाहिए, और चाहे करोड़ों का बिजनेस कराना हो तो भी उसके लिए भर्ती चाहिए। 5 मूलभूत उपादान है, नहीं तो बिजनेस फेल हो जाएगा, इसीलिए फेल हो रहा है। श्रम, पूंजी, साहस। अभी रिस्क की भी बात हमारे डॉक्टर विजय यादव जी ने कहा कि हमारे अंदर रिस्क की क्षमता नहीं है, हम इसलिए जो MBA के स्टूडेंट हैं वो सीधे सर्विस की बात करते हैं, बिजनेस नहीं शुरू करते हैं कि उनके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है और साहस हिम्मत नहीं होती इसी वजह से कि रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है। और सब कुछ कर डालिए, अगर मार्केट नहीं है, आप मार्केट को नहीं पकड़ पाए, मार्केट के हिसाब से बिजनेस नहीं किए, या मार्केट आप डेवलप नहीं कर पाए, यानी तो आपके किसी भी नॉट ओनली एग्रीकल्चर किसी भी चीज का जो है वो प्रोडक्शन बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर उसके लिए मार्केट आपके पास नहीं है। और मार्केट सर किसी चीज की होती नहीं है, मार्केट बनाई जाती है। कोई भी चीज हो, 1942 के पहले क्या चाय हिंदुस्तान में थी? तब स्कूलों में कैंप लगाकर अंग्रेज लोग पिलाते तो फ्री का पैकेट देते थे और चाय पत्ती देते थे, है नहीं है? तो लेकिन करते करते आज क्या हुआ कि अगर घर में चाय की व्यवस्था न हो तो हम आप जो है बेइज्जत हो जाएंगे, ऐसा मौका आ सकता है। तो मार्केट कोका कोला की थी नहीं 1973 के पहले आई, मार्केट बनाना पड़ता है, मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है, जो चीज की नहीं होती है। चीन में बहुत पहले की बात है, इतिहास में हमने पढ़ा था, बस एक दो नहीं दे रहा हूँ, तो वहां से एक बहुत फॉरेन की कंपनी जूता बनाती थी, उसने अपने एक आदमी को भेजा चीन कि जाओ वहां जूता बेचो। वो गया तो उसने कहा, फोन किया
फोन का मतलब जो भी संदेश दिया कि जहाज मत भेजो जूते का, यहाँ पर यहाँ लोग लकड़ी का जूता पहन रहे हैं, ये लेदर का पहने ही नहीं है ही नहीं मार्केट, क्यों भेज रहे हो। दूसरा गया, उसने कहा थोड़े दिन बाद उसने कहा कि दो हवाई जहाज भर के जूता भेज रहे हैं यहाँ पर, क्यों। अब देखिये ये सोच की बात है, उसने कहा कि लेदर के सोच का ये मजा ही नहीं पाए हैं, जिस दिन में मजा हम इनको दिला देंगे चाय की तरह से बढ़ा करके दिला देंगे, ये दो जहाज भी कम पड़ जाएगा और लाना पड़ेगा। तो अपने प्रोडक्ट की मार्केट जो है अगर नहीं है तो मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है। एक चीज सरोवर करके बात समाप्त करूंगा कि अभी हमारे मोबाइल पर दो तीन दिन पहले फोटो आया और शायद आप लोगों के आया होगा, चीजें फैकल्टी ग्रुप में पड़ा था कि गेहूं की बिल्कुल टाल लगी हुई है ना सर, और उस पर आधी पर जो है नीली पॉलिथीन पड़ी हुई है और बोरे में गेहूं जम है। यानी कहने मतलब यह है कि हमारा किसान एक रुपए किलो दो रुपए किलो टमाटर जो बेचने मजबूर होता है, क्यों मजबूर होता है कि हमारे यहाँ जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है इसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। वर्ल्ड में हम मिल्क में नंबर एक प्रोडक्शन होते हुए, व्हीट में नंबर दो पर होते हुए, फ्रूट वेजिटेबल में नंबर दो या एक पर होते हुए हमारे यहाँ दिक्कत है। अरे क्योंकि हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है, और ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी इसकी पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है इसको डेवलप किया जाए। और डेवलप करने के साथ साथ उन बच्चों को, उनको जो हमने फैक्टर्स बताए हैं, श्रम पूंजी साहस जोखिम और बाजार और हाइपोथेसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन, इस पर अगर पूरा जोर दिया जाए तो कोई भी योजना जो है सक्सेस होगी। नहीं तो हमारे दीक्षित जी की तरह से ऐसे कितने लोग निकलेंगे कि 98% योजनाएं जहां बनी थी और वो खत्म हो जाती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी दो चार बातें थी जो हमारे लोगों से शेयर करना चाहते थे। थैंक यू। पहली चीज ये है कि इस तरह से ना कि इनका आंसर नहीं देना, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अवर यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम अवर फैकल्टी, मतलब जो एक्सक्लूसिव है ना। अच्छा, क्योंकि रिस्पॉन्सिस तो डिफरेंट तरह के आए वो डिस्कशन के पार्ट थे, क्योंकि नाउ वी आर ऑन कंक्लूसिव वे कि व्हाट स्ट्रेंथ वी हैव, आई हैव प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पीपीटी कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, चाहे इन सेंस ऑफ कॉलेज हो, केवीके हो, रिसर्च स्टेशन हो, फैकल्टी हो, ट्रेंड फैकल्टी हो, इंक्यूबेशन सेंटर हो, या हमारे जो एंटरप्रेन्योर सेल्स हैं वो हो, ये सच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। नाउ हमारे पास कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ इरोडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हमें उसको ठीक करने की भी जरूरत है। तो अब इस रिस्पॉन्स में कि विश्वविद्यालय से हम लोग किस तरह से टाई अप हो, किन एंगल पर, क्योंकि डिस्कशन बात हो गया वो एंगल्स जहां पर दोनों मिलके किसानों के लिए। आपने जिक्र किया, हमको इस पे बड़ा, जैसे आप स्टूडेंट किसी, आप रिसर्च के स्कॉलर्स लेते हैं, यू वेरी सेलेक्टिव, आप हर व्यक्ति को पीएचडी नहीं दे रहे हो, वो अलग बात है कि कुछ को वैसे ही मिल जाती है, वो एक अलग विषय है, ठीक है, लेकिन आप बहुत सेलेक्टिव है प्रोसेस में। उसी तरह से ये जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, हमारी जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, यानी कि जो भारत की समस्या है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर होता है, उस माइंडसेट के लोग अगर इसमें नहीं आएंगे, उस माइंडसेट के लोगों को अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो ये कोई भी योजना फेल होगी। जैसे 98% आपने कहा फेलियर होगा, उसका रीजन ये है, हर प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, वो हर मन की बात में रहते, सबको लगा आईआईटी आईआईएम वालों को कि उन्होंने कहा 5 लाख करोड़ की योजना, 2.5 लाख करोड़ की योजना, योजना होना एक अलग बात है, उसको सिस्टमैटिक, उन्होंने सोचा तुरंत पैसा मिल जाएगा, मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, मैं एप्पल के फोन खरीदूंगा, ये जिनको मिला भी उन्होंने खरीदा भी वही पहले मैक्सिमम लोगों ने, क्यों, और इस यही रीजन है कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल हब्स है बंद होते हैं, क्यों होते, हर आदमी तुरंत सब्सिडी ग्रांट्स के पीछे पड़ता है, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको व्यापार को चलाने की तरफ जाते हैं, वो कम है, वो माइंडसेट का प्रॉब्लम, उनको लगता है कि ये तुरंत हमने किया, हमको 5 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख जो भी मिला, हमने 25-25 हजार बांट दिए सबने, वही वो बांटने के लिए था ही नहीं। वही हाल हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जो भी हमारे 5 लाख 7 लाख जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, प्रदेश में यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहेगा ये बताएं। हाँ, तब तो हम लोग कुछ बात करें आगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी हम लोग बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। अच्छा, जैसे अब हम जो पार्टनर एक साथ इंडिया डेवलपमेंट को क्या सहयोग कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने कोर्स कैरिकुलम में क्या परिवर्तन करें, विद्यार्थियों को क्या ट्रेन करें, कौन से नए कोर्सेज इंक्लूड करें, ऐसा अगर कुछ पॉइंट आए तो फिर हम लोग बिल्कुल
जिसमें आपका आपकी तरफ से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी और लोकल। पहले तो तिवारी साहब मैं बार बार जिंदगी ना सुना रही थी बात हम आपसे भारी 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 भारी